हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जिम। पुजारा ने शतक लगाया, सभी का मुंह बंद कराया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पुजारा ने सेंचुरी लगा दी है। वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन के बीच सेमीफाइनल मैच चल रहा होता है। वहां पर जो पहले दिन का गेम होता है, जब पुजारा पहले इनिंग में बल्लेबाजी करने आते हैं तो कुछ खास नहीं कर पाते, वहां पर 26-28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और वहां पर ना सिर्फ पुजारा बल्कि पृथ्वी शॉ भी 25-26, सूर्य कुमार यादव तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाते हैं, और टीम उनकी सिर्फ और सिर्फ 220 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, जो कि दिखाता है कि पिच काफी बल्लेबाजी के लिए खराब थी, बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं थी। और वैसा ही जो दूसरी टीम आती है बल्लेबाजी करने, उसकी इनिंग में आपको देखने को मिलता है, वो मात्र और मात्र 128 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद पुजारा जब अपनी मैच की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आते हैं तो अपना 40वां शतक लगाते हैं। जी हाँ, 40वां फर्स्ट क्लास सेंचुरी। घरेलू क्रिकेट में रणजी क्रिकेट मिला के सारा टेस्ट क्रिकेट जो भी होता है, वहां पर 40वीं सेंचुरी आती है पुजारा की। पुजारा इस मैच में 133 रन बनाते हैं और अपनी टीम वेस्ट जोन को एक बहुत ही मजबूत सिचुएशन में पहुंचा देते हैं, क्योंकि इससे पहले वेस्ट जोन हालांकि बढ़त ले चुकी थी, लेकिन अब उनकी जो बढ़त हो गई है वो हो गई है 384 की, यानी बहुत ही मजबूत सिचुएशन में पहुंचा दिया है। और इस मैच की अगर बात करेंगे दूसरी इनिंग की, तो पुजारा के 133 और सूर्य कुमार यादव जो कि पहली इनिंग में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए थे, उनके 52 रन को छोड़ दें तो कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाता है, जो कि दिखाता है कि पिच कितनी कठिन थी। लेकिन पुजारा का यहाँ पर शतक आता है, 140 बनाते हैं और सिलेक्टर्स को करारा जवाब देते हैं। ये वही पुजारा है जिन्हें वेस्टइंडीज दौरे पर ड्रॉप कर दिया गया है, वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं चुना गया, जिसका कारण यह भी था कि WTC फाइनल में उनके रन नहीं आते हैं और पिछली कुछ पारियों से उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन पुजारा ने यहाँ पर आता ही करारा जवाब दिया है, वो चैन से नहीं बैठे, आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और आते ही शतक लगा दिया है और बता दिया है कि अभी वो दावेदार हैं, अभी दावेदारी खत्म नहीं हुई है। तो ये बड़ी न्यूज थी, पुजारा की शतक आ चुका है। बताना ना भूलिएगा क्या पुजारा वापसी कर पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिल्कुल दर्ज कराइएगा, बिल्कुल संकोच नहीं, जल्दी जल्दी बताइए क्या सोचते हैं आप पुजारा के इस मसले पर।